वेलकम बैक टू माई चैनल सुनीता क्रिएशंस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए पिट्ठे की रेसिपी लेके आए हैं। यह बिहार का जो है पारंपरिक व्यंजन है। तो यहाँ हमने चावल यानी अरवा चावल का जो आटे है उससे हमने यह रेसिपी बनाई है। तो यह हमने मीठी वाली रेसिपी बनाई है, यह नमकीन वाली है पिट्ठा। इसे हमने अलसी और गुड़ के साथ बनाया है। इसे पूस के महीने में खास करके बनाया जाता है। तो इसे हम आटे के साथ बनाए हैं, चावल के आटे के साथ, और इसे भी हम उसी चावल के आटे के साथ बनाए हैं। यह चने की दाल नमकीन वाली पिट्ठा है। तो इसे फिर बनाना शुरू करते हैं। पिट्ठा बनाने के लिए हम सबसे पहले चावल का आटा लेंगे। उसे हम बॉयल पानी, यहाँ देखिए हमने यह बॉयल पानी गर्म करके रखा है, इसे हम थोड़ा थोड़ा हम इसमें डालेंगे और इसे इस तरीके से जो है हमें सबको मिलाते जाना है। अभी हमारा यह पानी काफ़ी गर्म है, इसे थोड़ी देर के बाद हम अच्छे तरीके से गूंथ लेंगे। अभी हमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे मिक्स कर लेना है। देखिए आटा हमारा थोड़ा ठंडा हो गया है, थोड़ा सा और हम इसमें पानी डालेंगे और इसे हम दोनों हाथों से अच्छी तरीके से इस तरीके से हमें गूंथ लेना है। जैसे आप नॉर्मल आटा गूंथते हैं उसी तरीके से हमें इसे गूंथ लेना है। यह आटा जो है हमारा अरवा चावल की होनी चाहिए तो हमारा पिट्ठा बहुत अच्छा बनेगा। अब देखिए हमारा यह डो तैयार हो गया है। इसे हम अच्छी तरीके से इस तरीके से सेट होने के लिए थोड़ी देर ढककर इसे छोड़ देंगे। जब तक हमारा आटा का डो सेट हो रहा है तब तक हम इसका स्टफिंग बना लेते हैं। यहाँ हम तीसी या पाउडर हमने लिए हैं। इसे बनाने के तरीके भी हम अपने चैनल पर डाल चुके हैं, या इसे अलसी भी बोल सकते हैं। इसमें हम गुड़ लेंगे, यह गीला गुड़ है, इसके जगह पर आप ढेले वाली गुड़ कद्दूकस के डाल सकते हैं। इसे हम इसमें डाल देंगे। और इसे अच्छे तरीके से हम इसमें मिक्स कर देंगे। इसकी आप लड्डू भी बना सकते हैं। इसमें हम आटा का जो चावल हमने डो तैयार किया है उसमें हमें इसे भरना है। अब इसे हमें अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। देखिए इसे हम जब इस तरीके से करेंगे तो यह लड्डू भी बन जाएगा, लड्डू के शेप में आ जाएगा। यह देखिए इस तरीके से आप लड्डू भी बना सकते हैं। और इसे हम अभी पिट्ठा में भरेंगे। यह हमारा स्टफिंग तैयार हो गया। हम दूसरा स्टफिंग बनाएंगे। यह चने की दाल है, इसे हमने 4 घंटा सोख करके रखा है। इसे हम ग्राइंडर पॉट में डालेंगे। यहाँ देखिए यहाँ हम थोड़ी सी लहसुन, थोड़ा सा जीरा, हरी मिर्च, गोल मिर्च, इसे हम एक मिर्च डाल देंगे, थोड़ी सी लहसुन, थोड़ा सा गोल मिर्च,
थोड़ा सा जीरा इसमें डाल के हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल के इसे हमें पीसना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। ये देखिए हमने अब चने की दाल को पीस ली है। इसकी स्टफिंग जो है बिल्कुल इस तरीके की होनी चाहिए, ज़्यादा गीला नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसे हमें आटे के अंदर इसे भरना है। तो इसमें अब हम स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं, फिर इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा हल्दी पाउडर इसमें कलर आने के लिए आप डाल सकते हैं। ये हमारा स्टफिंग जो है बनके तैयार हो गया। हमारा आटा देखिए बिल्कुल सेट हो गया है, इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। यह देखिए, इसके बाद हम इसकी छोटी छोटी, ये देखिए इस तरीके से हम इसकी गोलियां बनाएंगे, ये देखिए। और इसे हम इस तरीके से जो है बनाने के बाद हम इसमें स्टफिंग को जो है इसमें डालेंगे। थोड़ा थोड़ा हमें डालना है। और चारों तरफ से हमें इस तरीके से जो है हमें दबाते हुए इसे बंद कर देना है। ये हमने इसमें अलसी को भर दिया, इसे चारों तरफ से इस तरीके से कर देना है। और इसे जिस शेप में आप देना चाहें आप दे सकते हैं। यह देखिए हमारा इस तरीके से आप भी बनाएं, ये देखिए इसे आप इस तरीके से दाब भी सकते हैं। देखिए दोनों तरफ बिल्कुल कहीं भी नहीं हमारा टूटा है। तो इस तरीके से आप भी बनाएं। इस तरीके से जो है सारे हम स्टफिंग को चावल के आटे में भर लेते हैं। अब दूसरा हमारा देखिए यार, जो हमने चने के दाल की स्टफिंग बनाई थी उसे भरना है। इसे देखिए हम इस तरीके से जो है बीच में बना लेंगे। यह जो दाल की स्टफिंग है इसे हम इस तरीके से थोड़ा थोड़ा हमें डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। और इसे देखिए हमें इस तरीके से जो है इसे बंद नहीं करना है। इस तरीके से जो है हमें भरते जाना है। यह देखिए हमारा यह दूसरा जो है चने की दाल वाली पीठा। इसी तरीके से हम सारे स्टफिंग को हम भर लेंगे। थोड़ा थोड़ा हमें इसे डालना है। दोनों साइड से हमें इस तरीके से जो है हल्का दबा देना है क्योंकि यह खुला ही रहता है। इस तरीके से अब यहाँ देखिए हमने यह अलसी की और दाल की स्टफिंग को हमने चावल के आटे में इसे भर लिया है। अब इसे हमें स्टीम करना है। इसके लिए हम यह देखिए इडली स्टैंड लिया है, इसके जगह आप कोई स्टीमर ले सकते हैं, उसमें आप बना सकते हैं। तो यहाँ हमने पानी इसमें डाल दिया है, पानी हमारा गर्म हो चुका है। इसमें हम नीचे वाली जो पार्ट है उसे डालेंगे, फिर उसके बाद जो है हम एक एक करके सारे पिट्ठे को हम इसमें डाल देंगे।
ज़्यादा हमें भर के नहीं डालना है, दो तीन बार करके आप इस... ऊपर से हम दाल वाला डाल देते हैं। और इसे देखिए हम ढक देंगे। अब देखिए इसे हम एक बार चेक कर लेते हैं, टूथपिक के सहायता से आप देख सकते हैं। यह देखिए अभी हमारा थोड़ा इसमें अभी लग रहा है, थोड़ा अभी और हमें इसे पकाना है। लगभग आधे घंटे तक इसे पकाने के बाद हमारा पूरी तरीके से जो है पीठा बन के तैयार हो जाता है। इसे भी हम एक बार देखिए दाल वाली जो है इसे हम चेक कर लेते हैं। यह देखिए इसमें भी अभी हमारा लग रहा है, थोड़ी देर इसे और हमें पकाना है। हमारा देखिए पीठा बिल्कुल पक गया है, इसे हम फिर से चेक करते हैं, यह बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और ठंडा होने के बाद इसे हम निकाल लेंगे। थोड़ी देर इसे हम ढक के छोड़ देते हैं। हमारा देखिए पिट्ठा बन के तैयार हो गया, अलसी की पिट्ठा और यहाँ दाल की पिट्ठा। आप इसी तरीके से बनाएं और खाएं। मेरे वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।